नमस्कार जोहार, आप सभी दर्शकों का बिरसा न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। आप लगातार कमेंट करते थे कि लोकल जो सिंगर है, जो गायक है, उनका इंटरव्यू कीजिए। आज हमारे साथ हुसैनाबाद से निकलकर भोजपुरी में कदम रखने वाले टीमू ठाकुर जी हैं। चलिए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बिरसा न्यूज़ चैनल पर स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय थोड़ा संक्षेप में दीजिए। मैं जपला का निवासी हूँ, मेरा घर खादी भंडार है और मैं मतलब आज समथिंग 4 साल से मतलब इस लाइन में हूँ, बट अभी हल्का किक मिला है और मैं भोजपुरी में काफ़ी अभी मतलब 2-3 कलाकारों के साथ, पहला आफ्टरफॉल हमारे छोटू छलिया जी हो गए, दूसरे में धर्मेंद्र धड़कन जी, तीसरा में हमारे पप्पू जी हैं और काफ़ी जयप्रकाश सिंह जी भी हैं और फिलहाल में अभी चंदन यादव जी, उनके सपोर्ट से मैं काफ़ी अभी मतलब स्टेज के माध्यम से काफ़ी मतलब अभी आया हूँ लाइन में। आप कब और कैसे सोचे कि हमको इस क्षेत्र में जाना है? नहीं, एक्चुअली मैं इस लाइन में था ही नहीं, बट मैं बताया ना कि 4 साल से, तो जैसे हमारे एक दोस्त है राहुल राज दीवाना, जो कि हमारे काफ़ी अच्छे मित्र थे, बट वो कहीं ना कहीं हमें शायद भूल चुके थे। तो एक दिन अचानक, एक मेरा छोटा सा शॉप है तो मैं शॉप पे बैठा था, तो वो आए, तो वो जा रहे थे रिकॉर्डिंग करने, तो मैं उनसे बोला कि मतलब कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने ही बताया कि मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने। तो मैंने उनसे बोला कि एक बार हमें भी मौका उका दो, तो वो साथ में ले करके गए और अपने ही गाने में हमें मतलब गाना गवाएं, तो वो मेरा शुरुआती दौर था। उसके बाद फिर मैं खुद से मतलब स्टूडियो वाले ने बोला कि तुम गाना गाओ, तुम्हारा वोकल अच्छा है, तो फिर मैंने चालू कर दिया। आज के डेट में गायकी को लोग अच्छा नहीं मानते हैं, आप छोटे से सर हुसैनाबाद से निकल कर आए हैं, तो आपको कैसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? मुसीबत बोला जाए तो बहुत तरीके का होता है, क्योंकि आज के डेट में कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता है, प्लस सपोर्ट नहीं करना चाहता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बहुत सारे ऐसे झटके मिले हैं जो उसके बाद कोई उठ नहीं पाएगा। पहला आपका कौन सा गाना था जो आप दर्शकों को था गुनगुना कर बता दें? वो तो पहला हमारा मतलब सैड सॉन्ग था, फिर उसके बाद एक हमारे जो हमारे अभी फिलहाल जो नगर पंचायत में भी उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो रहे हैं हमारे पवन जी, उनके ही सहयोग से मैंने एक मतलब विदाई गीत करा था, उसके बाद एक भक्ति सॉन्ग करा था, मतलब दोनों ही भक्ति था, उसके बाद एक शेड सॉन्ग था। आपका तो पहला गाना कौन सा था जो जरा दर्शकों को गुनगुना कर बता दीजिए? कि रहनियत ने दीन खातिर पियावा के साथ में, ससुरा जाके भुला जइह हमके पहला मुलाकात में, तोरा अंगना में बाजी सहनाई कैलू प्यार के तू कुर्बान, होते सुबह डोली उठ जाई, हो जाए तो हरा ला हम अनजान रोहनी। आप संगीत कहाँ से सीखे थे और आपका आइडियल कौन है? देखिए, हम संगीत कहीं सीखे नहीं है, मतलब गाते गाते ही हो गया। जैसे बताए थे जो राहुल राज दीवाना थे, वो मतलब स्टूडियो में लेकर के जाते थे, उसके बाद स्टूडियो में जाना चालू करा, तो फिर उसके बाद जो चल रहा है से चल रहा है। मतलब मेरा कोई अभी ऐसा नहीं है कि मेरा कोई गुरु है सिखाने वाला। एक मतलब रिकॉर्डिस्ट है जिनका नाम था पगला संतोष, वही मतलब ऐसे ही नाम उनका, बस पगला पगला हम लोग बोलते थे, और जब से उनका नाम पड़ा पगला संतोष, तो वो एक राइटर भी हैं और एक रिकॉर्डिस्ट भी हैं, और मतलब वो हमें मतलब सिखाए भी हैं कि ऐसे गाइए ऐसे गाइए। अभी समझिए तो हमारा गुरु कोई नहीं है, बस सिखाने वाले मतलब अभी वही है, और कोई क्लास नहीं की है। आपका गाना कौन सा ऐसा आया मार्केट में जिससे आपका नाम हुआ टीमू ठाकुर? जपला के मेला घुमा दिए एक हमारा भक्ति सॉन्ग आया था कि चढ़ल नवरात सजल पंडाल भारी, सब लोग जात बाड़े मैया दुआरी, खुल गईल पट मई के दर्शन करा दी, खुल गईल पट मई के दर्शन करा दी, ए राजा जपला के मेला घुमा दी। यही एक भक्ति सॉन्ग आया था दशहरा में, बस वही जब से चल रहा है, और इस पर रील्स काफ़ी अच्छा भी बना है, अभी 108 प्लेटफॉर्म पर ये टोटल गाना आया है। आप कब और मतलब कौन से ऐसे बड़े सिंगर के साथ आप कभी स्टेज शेयर किए हैं? हाँ, गाना गाए अभी 21 फरवरी को हमारा और चंदन भैया का स्टेज शो था, तो स्टेज तो उनका ही था, बस उनके माध्यम से हम स्टेज पे चढ़े थे। और अभी फिलहाल में 2 मार्च को गोलू राजा के था औरंगाबाद में, तो वहाँ स्टेज पे बुलाया गया है, बट गाना नहीं गवाया, कि इसलिए कि कुल काफ़ी थोड़ा ऊंचा लेवल का है, तो लोकल कलाकार को थोड़ा मिलना मुश्किल है स्टेज। हाँ, बट दर्जा तो दिया जाता है, वो हमें मिला है, उसके लिए हम बहुत। आपको कोई ऐसे बड़े सिंगर आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई स्टूडियो वाले हो, जहां आप सबसे ज़्यादा गाना रिकॉर्ड किए हो?
सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तो ज़्यादातर हम सासाराम हो गया और जपला में फ्रांस स्टूडियो उनसे ही किया है, बट अभी सबसे ज़्यादा सपोर्ट में हमारे हो गए धर्मेंद्र धड़कन भैया और छोटू छलिया भैया, और हमारे एक प्रमोटर हैं पप्पू जी जो कि अम्बा का रहने वाले हैं, तो वो मतलब ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप कौन सा ऐसे सिंगर के देखते होंगे, गाना उन्हें सुनते होंगे, तो आप उनके जैसा गाना चाहते हैं या उनके जैसा बनना चाहते हैं? हाँ, एक श्याम जी हैं जो कि हिंदी गज़ल गाते हैं, मैं उनका ज़्यादा मतलब वीडियो देखता हूँ, और विनय तिवारी हो गए, और भोजपुरी के काफ़ी अभी धनंजय शर्मा जी हैं, उनका भी मैं वीडियो काफ़ी मतलब देखता हूँ ज़्यादा हद तक, और मतलब जितने भी सिंगर हैं काफ़ी अच्छे गाते हैं, सबका अलग अलग है, सब अपना मतलब अपना अपना तरीका से गाता है बस। आपका पसंदीदा गायक कौन है? गायक तो बोला जाए तो वही है, फॉलो करते हो? हाँ, धनंजय जी हैं और फिर हमारे श्याम जी हैं, और एक हाँ उनसे क्या क्या सीखते हैं? मतलब उनका गाने का तरीका है, काफ़ी अच्छा है, जो कि मतलब स्केल के ऊपर है, तो मेरा ज़्यादा हाई स्केल नहीं है, बहुत का होता है सी सी शार्प फिर डी में जाता है, तो वो मेरा स्केल नहीं है, तो हम जिस स्केल से गाते हैं, जी है मेरा, जी है, बी है, बी मेरा लास्ट है, तो जो जी से गाता है मैं उनको ज़्यादा देखता हूँ। अब तक आपका बेस्ट गाना कौन सा था, तो सुना कर बताइएगा हमको। हो ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, हो धड़कने बेतहाशा तड़पने लगा, कि तीर ऐसा लगा, कि दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ये मेरा स्टेज का सबसे पहला गाना है, मैं कहीं भी जाता हूँ शुरुआत इसी से करता हूँ। आप अपने माता पिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जब वो आपको चैनल पे या कहीं स्टेज पे देखते होंगे तो खुश होते होंगे, तो क्या कहते हैं आपको? वो सपोर्ट करते हैं, और क्या, कि और बेस्ट करो, कोई भी माता पिता अपने बेटा को चाहे अपने परिवार को बुरा नहीं चाहता है, बस यही है कि सपोर्ट अच्छा खासा करते हैं। मेरी माँ नहीं है, बट हमारे फादर काफ़ी, और मेरे ब्रदर बड़े भाई अमित जी हैं जो बालाजी अल्ट्रासाउंड में रहते हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं। जो भी हुसैनाबाद क्षेत्र से गायकी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन जैसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे, ना किसी का बुरा सोचे, क्योंकि कलाकार एक समान होता है, कलाकार एक समान होता है, अगर आप किसी का बुरा करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका कलाकारी कभी कहा नहीं जाएगा, कभी आप आगे नहीं बढ़िएगा, ये लिखित ले लीजिए, क्योंकि आज के डेट में हम देखते हैं कि जहाँ तक अगर कोई जातिवाद हो गया, अगर उस जाति का है तो आप उसको सपोर्ट कीजिएगा, और जो इधर का है उसको आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, ऐसे बहुत तरह के लोग हैं, और काफ़ी लोग हैं कि बस अश्लील गाइए एक बार में हिट हो जाइए, तो अश्लील गाइएगा तो आप अपने माता पिता के साथ बैठ करके वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो आप इस लाइन में हैं तो आप अश्लीलता को देखते हुए आप गाना गाइए, और काफ़ी अच्छा अच्छा गाना गाइए, क्योंकि सिंगिंग एक ऐसा लाइन है कि कभी भी आपका किक लग सकता है, कभी भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप कितने गानों को शूट कर चुके हैं जो आने वाला है? शूट तो अभी मेरा 5 या 6 गाना हो चुका है, टोटल 18 गाने का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 9 गाना मेरा फाइनल हो चुका है, 9 का अभी 3 वीडियो मेरा कल के डेट में आया है, मतलब कल शाम में ही आया है, और एक 20 तारीख को वीडियो आएगा, एक 23 तारीख को वीडियो आएगा, और डेट बाय डेट मतलब जो रिलीजिंग डेट है वो तो जो प्रमोटर है वही बताते हैं कि इस डेट में कब रिलीज़ करना है, वो जिस तरीके का डेट बताते हैं उसी तरीके से रिलीज। जाते जाते कुछ दर्शकों को सुनाना चाहते हैं? सुना देंगे, ऐसा क्या है। हो रे कि मैंने माना कि मैं पीता हूँ, बेहिसाब पीता हूँ, आजकल बहुत लोग हैं जो शराब वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये झारखंड है तो भैया वो तो चलेगा ही। अरे कि मैंने माना कि मैं पीता हूँ, बेहिसाब पीता हूँ, अरे आजकल लोग लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ, और एक दो शायरी बोलिएगा तो मैं सुना दूंगा। हो कि दिल की बात लबों तक लाकर, हो कि दिल की बात लबों तक लाकर, हो अब तक दुख हम सहते हैं, ओ हमने सुना है किस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। बहुत अच्छा लगा गाना सुनकर आपका। आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हमारे जो बड़े भाई हैं बिरसा न्यूज जिनका, वो अभी फिलहाल में बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा इनका ग्रो कर रहा है चैनल, तो वो सिर्फ आप लोग के बदौलत है, अगर आप लोग अच्छे से लाड प्यार दुलार दीजिएगा तो इनका चैनल ग्रो करेगा, और जिस तरीके से ये सच्चाई पे एकदम काम करते हैं, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, और काफ़ी लोग हैं जो इनका विरोध भी करते हैं कि आप ये मतलब बिरसा न्यूज ये है वो है, बोलने वाले को बोलने दीजिए, ये सच्चाई की ओर अपना काम कर रहे हैं, और जितने भी मीडिया वाले हैं मैं सबको कहना चाहूँगा कि अपना बेस्ट दें और अपना सच्चाई पर काम करें, ना कि पैसा लेकर के किसी का काम करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो
पैसा ले करके काम करते हैं और सिर्फ झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ दिखाया जाता है। तो आप सच्चाई पे काम करें, और हमारे जैसे कि बिरसा न्यूज वाले हैं तो मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि इन्होंने बोला जो जिस तरीके से इनका न्यूज़ आता है मैं उस तरीके से देखता हूँ, भले ही व्यूज़ कम है लेकिन इनका टोटल पे टोटल सच्चाई की ओर है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। चलिए, आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप